गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम नेक्स्ट आर्टिकल करेंगे क्लासिकल फिज़िक्स का यूनिट वन का कंजर्वेशन थ्योरम फॉर एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल देखिए स्टूडेंट्स अभी तक हमने जो पार्ट किया है उसमें हमने किया है सिस्टम सॉरी uh, हमने जो आर्टिकल अभी तक किया है दैट इज़ मकैनिक्स ऑफ ए सिंगल पार्टिकल एंड कंजरवेशन लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम आज हम करेंगे कंजरवेशन थ्योरम फॉर द एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल वट डज इट स्टेट इट स्टेट्स दैट इफ टोटल टॉर्क ऑन द पार्टिकल इज़ जीरो देन इट्स एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कॉन्स्टेंट देखिए अगर सिंपल लीनियर मोमेंटम वाले केस में हमने क्या किया था कि जो टोटल अगर फोर्स अगर पार्टिकल पे ज़ीरो होगी तो जो लीनियर मोमेंटम है वो कांस्टेंट रहेगा एंगुलर मोमेंटम के केस में क्या है अगर हमारा टोटल टॉर्क पार्टिकल पे ज़ीरो है देन आर एंगुलर मोमेंटम रिमेंस कांस्टेंट अब ये जो वेक्टर पी है दिस इज़ द लीनियर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल एंड एफ इज़ द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन इट एफ इज़ द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन इट दैन एंगुलर मोमेंटम इज डिफाइंड एज एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी हम कैसे लिख सकते हैं ये नोटेशन आपने पहले भी देखी होगी पहले भी किया होगा एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी तो जो हमारा टॉर्क है टॉर्क क्या होता है मोमेंट ऑफ द फोर्स वट इज़ टॉर्क टॉर्क इज द मोमेंट ऑफ फोर्स ऑन द पार्टिकल एंड इट इज गिवन बाय टॉ से डिनोट करते हैं हम टॉर्क को इट इज गिवन बाय रिलेशन नंबर वन टॉर्क टॉ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ टॉ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ वेयर आर इज़ द पोजिशन वैक्टर ऑफ द पार्टिकल ये हमें ऑलरेडी पता है आर इज द पोजिशन वैक्टर ऑफ द पार्टिकल तो <coughs> ये जो ऊपर इक्वेशन हमने लिखी थी एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू आर क्रॉस पी हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी तो हमारे पास ये रिलेशन आ जाएगा इसको ओपन कर लीजिए हमारे पास क्या आ जाएगा आर क्रॉस डी पी अपॉन डी टी प्लस डी आर बाय डी टी क्रॉस पी ये हमें पता है डी पी बाय डी टी जो है दैट इज इक्वल टू एफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन वैक्टर दैट इज इक्वल टू वेलॉसिटी दैट इज इक्वल टू वेलासिटी ठीक है ना ये हमें ऑलरेडी पता है ये देखिए हमने वेलासिटी लिख दिया है और पी को हमने क्या लिखा है एम इंटू वी लीनियर मोमेंटम इज ईक्वल टू एम इंटू वी तो हमारे पास क्या आ गया हमारे पास आ गया है डी एल अपॉन डी टी इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ डी एल अपॉन डी टी इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ प्लस जीरो बिकॉज वी क्रॉस वी इज इक्वल टू ज़ीरो हमें ऑलरेडी पता है जो आपका सेम वक्टर है इफ़ द क्रॉस प्रोडक्ट इज देअर देन इट इज इक्वल टू ज़ीरो तो यहाँ पर हमारे पास क्या इक्वेशन आ गई डी अपॉन डी एल अपॉन डी टी इज इक्वल टू और आर क्रॉस एफ इज इक्वल टू क्या होता है टॉर्क मोमेंट ऑफ फोर्स इज द टॉर्क फ्रॉम इक्वेशन वन तो अब हम वही अपनी कंडीशन अप्लाई करेंगे कि जो टोटल टॉर्क ऑन द पार्टिकल इज ज़ीरो टॉ इज इक्वल टू जीरो पुट कर दीजिए टॉ इज इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो इसका मतलब क्या है डी एल अपॉन डी टी इज इक्वल टू जीरो एंड दिस इम्प्लाइज एल इज़ कॉन्स्टेंट दिस इम्प्लाइज एल इज़ कॉन्स्टेंट इट मीन्स एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्वड कब कंजर्व होगा इफ द टॉर्क विच वी अप्लाई ऑन द पार्टिकल इज जीरो तो ये था आपका आर्टिकल कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल नेक्स्ट हमारा जो आर्टिकल है दैट इज द एनर्जी कंजर्वेशन थोरम फॉर द पार्टिकल एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरम फॉर द पार्टिकल इसको देखिए अब हम करेंगे इट स्टेट्स दैट इफ फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल आर कंज़रवेटिव बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है नोट करने के लिए कि जो हम फोर्स लगा रहे हैं पार्टिकल पे दैट शुड बी कंजरवेटिव इन नेचर न इट्स टोटल एनर्जी टोटल एनर्जी कौन सी सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज़ कंज़र्व्ड सम ऑफ द टोटल एनर्जी रिमेन्स कंजर्वड बहुत इम्पॉर्टेंट है पॉइंट कि जो फोर्स जो हम अप्लाई कर रहे हैं दैट शुड भी कंजर्वेटिव फोर्सेज तो जो हमारा एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरम क्या कहती है कि अगर कोई भी फोर्स जो पार्टिकल के ऊपर हम अप्लाई कर रहे हैं अगर वो कंजर्वेटिव है नेचर में देन द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम टोटल एनर्जी विच इज़ द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी दैट विल रिमेन्स कॉन्स्टेंट और दैट विल रिमेन्स कंजर्व्ड क्लियर अब देखिए हम क्या करेंगे अब हमें ये पता होना चाहिए कि कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन सी होती हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस जो हैं हमारी आप लोगों ने ऑलरेडी भी शायद डिटेल uh, में पढ़ा हुआ है कि जो कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं आर द फोर्सेस इज अ फोर्स यू कैन से दैट डन इन मूविंग अ पार्टिकल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर सच दैट फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ टेकन बाय द पार्टिकल पाथ से इंडिपेंडेंट होंगी इट डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशंस के ऊपर डिपेंड करेंगी जो आपका पाथ से इंडिपेंडेंट होंगी उन फोर्सेस को हम बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस। इसका जो एग्जांपल है एग्जाम्पल में आपका आ जाएगा इलास्टिक फोर्सेस हैं मैग्नेटिक फोर्सेस हैं ग्रेविटेशनल फोर्सेस हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस हैं दीज ऑल कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ कन्ज़रवेटिव फोर्सेस, ठीक है और जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं उनके एग्जाम्पल क्या हैं विस्कस फोर्स है फ्रिक्शनल फोर्स है डिसिपेटिव फोर्स है दिस ऑल्स कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फ़ोर्स तो ये जो हमारा कंजर्वेटिव थ्योरम है इसके लिए कंडीशन क्या है कि हमारा क्या होना ज़रूरी है जो फोर्सिज हैं दे शुड बी कंजर्वेटिव इन नेचर दे शुड बी कंजर्वेटिव इन नेचर तो और जो फोर्स है उसको हम कब कंजर्वेटिव कहेंगे जब ये जो पॉइंट्स हैं जब वो फोर्सेस उनको फॉलो करेंगे नंबर वन व्हेन द फोर्स ओनली डिपेंडेंट ऑन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन इर ऑफ द पाथ टेकन दूसरा क्या होगा इफ एनी क्लोज्ड पाथ इफ एनी क्लोज्ड पाथ वर्क डन बाय ए कंजर्वेटिव फोर्स इज़ ज़ीरो अगर कोई भी क्लोज्ड पाथ है तो उसके लिए जो वर्क डन होगा बाय द कंजर्वेटिव फोर्स दैट विल बी जीरो और थर्ड पॉइंट क्या है कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इज रिवर्सिबल वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इज रिवर्सिबल तो हम क्या करेंगे हम कंसिडर करके चलते हैं कंसिडर ए पार्टिकल सिंगल पार्टिकल हमने कंसिडर किया है ऑफ मास स्मॉल एम दिस मास स्मॉल एम इज़ अज्यूम्ड टू बी कॉन्सटेंट जब तक हम मैंशन नहीं करते कि मास एम जो है वो वेरिएबल है तब तो तक हम यही मान के चलेंगे हर आर्टिकल के अंदर कि जो मास एम है वो कॉन्सटेंट है जब तक मैंशन ना किया जाए तो मास हमारा इस आर्टिकल के अंदर भी क्या रहेगा कॉन्स्टेंट होगा नाउ वी विल कंसिडर वर्क डन बाय ए वेरिएबल फोर्स एफ इन डिस्प्लेसिंग द पार्टिकल फ्रॉम पॉइंट वन टू पॉइंट टू दैट कैन बी रिटर्न एस हम कैसे लिख सकते हैं उसको वर्क डन को वर्क डन कैन बी रिटर्न लाइक दिस डब्ल्यू वन टू वन टू मीन्स वर्क डन फ्रॉम वन टू नोटेशन से मतलब क्या है वर्क डन जो हुआ है कहाँ से कहाँ तक जाने में पॉइंट वन से पॉइंट टू में जाने में जो वर्क डन हुआ है उसको हम डिनोट करें डब्ल्यू वन टू से एंड इट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम द पोजिशन वन टू टू फ्रॉम द पोजिशन वन टू टू एंड एफ़ डॉट डी एस वर्क डन किसके इक्वल होता है एफ़ डॉट डी एस के इक्वल ठीक है डी एस इज इक्वल टू डी आर हम कह सकते हैं है ना डिस्प्लेसमेंट है और यहाँ पे हमने जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जनरली हम ले रहे हैं वो आर की नोटेशन से है तो डी एस इज इक्वल टू डी आर क्लियर तो यहाँ से एफ़ जो है हमारा हमें एफ़ पता है एफ़ इक्वल होता है एफ इज इक्वल टू एम इन टू ए और ए को हम कैसे लिख सकते हैं एम इन टू में डी वी अपॉन डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन तो ओवरऑल जो हमारे पास रिलेशन आएगा डब्ल्यू वन टू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन वन टू टू एम डी वी अपॉन डी टी और डी आर को हमने क्या लिखा है डी आर को न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हमने डी टी से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमने इस फॉर्म को ऐसे लिख दिया डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू क्या होता है वेलोसिटी है और एम को बाहर ले लिया हमने एम इंटू में इंटीग्रेशन वन टू टू डी वी अपॉन डी टी वी इंटू डी टी यहां से हम कह सकते हैं डी टी से डी टी आपका कैंसिल हो गया एम इंटीग्रेशन वी डी वी तो हमारा जो वर्क डन है वो किसके इक्वल आ जाएगा डब्ल्यू वन टू इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन टू वी का जो इंटीग्रेशन है वो क्या आ जाएगा वी स्क्वायर अपॉन टू और जो पोजीशन कहाँ से कहाँ वेरी कर रही है फ्रॉम पोजीशन वन टू टू तो ये जो रिलेशन आया है ये हमारे पास क्या आ गया वन बाई टू एम वी टू स्क्वायेर माइनस में वन बाई टू एम वी वन स्क्वायर तो ये जो वर्क डन है वर्क डन फ्रॉम पोजिशन वन टू टू दैट विल बी इक्वल टू टी टू माइनस टी वन वेयर टी वन और टी टू आर द टी टू इज द कानेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल एट द पॉइंट टू एंड टी वन इज इक्वल टू वन बाय टू एम वी वन स्क्वायर दिस इज द कायनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल एट द पॉइंट वन क्लियर अब इसके बाद देखिए अगर हमारा जो फोर्स है विच इज़ एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज कंजरवेटिव इन नेचर अगर वो कंजरवेटिव है नेचर के अंदर तो हम फोर्स को किस फॉर्म में लिख सकते हैं इफ़ एंड ओनली इफ द फोर्स इज कंज़रवेटिव इन नेचर तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं एफ इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी एस एफ कैन बी एक्सप्रेस्ड एज नेगेटिव ऑफ़ द ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फंक्शन वेयर वी इज अ स्केलर फंक्शन तो जो एफ है फोर्स को हम किस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं किस तरीके से लिख सकते हैं नेगेटिव ऑफ द ग्रीडियंट ऑफ ए स्केलर फंक्शन तो एफ इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी एस डी एस को आप लेफ्ट साइड में ले जाइए हमारे पास क्या आ जाएगा एफ डॉट डी एस इज इक्वल टू माइनस डी वी नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स फ्रॉम वन टू टू हमारे पास क्या आ गया इंटीग्रेशन वन टू टू एफ डॉट डी एस इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन वन टू टू डी वी तो ये जो वर्क डन आ गया डब्ल्यू वन टू दैट इज इक्वल टू माइनस वी वेरिंग फ्रॉम वन टू टू तो यहाँ से हमारे पास वर्क <coughs> डन क्या आ गया है डब्ल्यू वन टू इज इक्वल टू इसको ओपन कर लीजिए माइनस साइन बाहर है ही वी टू माइनस वी वन तो यहाँ से जो वर्क डन आया है हमारा किसके इक्वल आ गया वी वन माइनस वी टू दिस इज इक्वेशन नंबर बी सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर बी और इक्वेशन नंबर ए जो है इक्वेशन नंबर ए हमारे पास क्या आई थी टी वन माइनस टी टू सॉरी टी टू माइनस टी वन इक्वेशन नंबर ए जो है हमारे पास क्या थी टी टू माइनस टी वन ये लिखी हुई है हमने ए इक्वेशन दिस इज इक्वेशन नंबर बी उनको हमने इक्वेट कर दिया क्योंकि दोनों ही किसके इक्वल हैं वर्क डन के इक्वल वर्क डन डब्ल्यू वेरिंग फ्रॉम वन टू टू के इक्वल है तो यहाँ से हमारे पास क्या uh, आ गया है टी वन दोनों जो आपके टर्म्स हैं उनको आप एक साइड में ले आइए जो प्लस टर्म्स हैं टी वन प्लस वी वन इज इक्वल टू टी टू प्लस वी टू दिस इम्प्लाइज़ वट वी कैन से दैट टी प्लस वी इज़ कॉन्स्टेंट और यू कैन से दैट टोटल एनर्जी एट पॉइंट वन इज़ इक्वल टू द टोटल एनर्जी एट द पॉइंट टू दिस इज द टोटल एनर्जी एट द पॉइंट वन दिस इज़ द टोटल एनर्जी एट द पॉइंट टू hence the sum of kinetic energy hence the sum of kinetic energy and potential energy is constant if the force acting is conservative in nature this is the important point this is the important point hence the energy is conserved hence energy is conserved विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट रिलेशन कि जब भी जो आपकी फोर्स अप्लाई हम कर रहे हैं इफ़ इट इज़ कंज़रवेटिव इन नेचर सॉरी हाँ ये इफ इट इज़ कंजरवेटिव इन इन नेचर दैन द एनर्जी ऑफ दैट सिस्टम विल बी कंजर्व सो दिस इज ऑल अबाउट योर आर्टिकल नेक्स्ट वी विल टेक अप इन द नेक्स्ट लेक्चर सो थैंक यू